आज भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार अर्थात भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 2019-20 का एडमिशन UG पार्ट वन मतलब ग्रेजुएशन का 2019-20 का सत्र नया सत्र शुरू हो चुका है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी 9 तारीख से इसका लास्ट डेट है 26 मई 2019 26 तारीख को लास्ट डेट है। तो आप लोगों से ये है कि 26 तारीख से पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कॉलेज में। चलिए मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bnmu.ac.in। चलिए मैं बता दूं आपको जो इसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2019 यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2019-20 न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2019-20 पे क्लिक करेंगे। जो इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें कहा जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2019-20 कहता है एनरोलमेंट BNU नामांकित हैं। अगर जो पहले से नामांकित हैं तो वो यस करेंगे, जो नहीं है नो करेंगे। रजिस्ट्रेशन विद एडमिशन दोनों साथ साथ हो रहा है इसमें। जो पहले से नामांकित हैं तो वो यस करेंगे। किसी कारण से पिछले साल अगर कोई एडमिशन नहीं ले पाए, एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो वो यस कर सकते हैं। श्री यहाँ पे मांग रहा है छात्र का नाम अंग्रेजी में, जो कुछ भी है नाम अंग्रेजी में डाल देते हैं। मदर्स नाम, माता का नाम अंग्रेजी में, कुछ भी है माता का नाम अंग्रेजी में, कुछ भी जो आप जो अपना अपना माता पिता पिता का नाम है वहाँ पिता का नाम डाल देंगे। रिलेशन फादर्स, लिंग मेल या फीमेल, जो लिंग है जो वो डाल देंगे। कैटेगरी जनरल BC EBC SC ST जो कैटेगरी है वो आप डाल दें अपना कैटेगरी। अन्य श्रेणी जो जम्मू कश्मीर से हैं वो डाल सकते हैं इसमें, इसको कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ओके, क्या आप बिहार राज्य के मूल निवासी, अगर बिहार के निवासी हैं तो बिहार पर क्लिक करेंगे, जो आसाम के हैं तो आसाम पे, जो जो स्टेट के निवासी हैं वो उस स्टेट पर क्लिक करेंगे। टिप्पणी अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। माध्यम आपका माध्यम क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा या हिंदी मीडियम। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ दीजिए। चलिए आगे, पहचान आधार कार्ड है, पहचान आपका पहचान के आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड डाल दिए हैं, इस साइड अंडर ग्रेजुएट नाम हिंदी में, स्पेस अंग्रेजी में नाम लिखिए, स्पेस डाली हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। माता का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, इधर अंग्रेजी में, इधर हिंदी में। धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो है वो डाल सकते हैं। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम,
जो विकलांग है, यहाँ मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूँ, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी जो विकलांग है उसके लिए ये है, जो विकलांग नहीं है वो इसको नहीं फिल करेंगे। विकलांगता है तो कौन सा विकलांगता है, कितना परसेंटेज है, 40% के जो है, मोर देन 40, 40% से नीचे का विकलांगता नहीं लेता है। क्या आप नागरिकता प्राप्त के भारतीय नागरिक, यस, जो भारत के नहीं है, नेपाल या किसी और कंट्री के हैं तो वो अदर पे क्लिक करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया पर ऑटोमेटिक क्लिक है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। क्या आप हॉस्टल छात्रावास में रहना चाहते हैं, अगर छात्रावास में रहना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो नो करेंगे। रक्त ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप आपको मालूम है तो अपने ब्लड ग्रुप पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं मालूम है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पेरेंट पेरेंट का गार्जियन का मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, अनिवार्य है गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना। आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना ज़रूरी है। यहाँ ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी है। यहाँ 12th का रोल नंबर, यहाँ 10th का रोल नंबर, यहाँ 10th का प्रमाण पत्र संख्या, अंक पत्र का सीरियल नंबर, 10वीं अंक पत्र का सीरियल नंबर जो है वो यहाँ डालना है। 10वीं कौन साल उत्तीर्ण हुए हैं, कौन साल पास किए हैं वो डालना है, फिर सबमिट करना है।